हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? याद कीजिए, मैंने कल कहा था कि प्रत्येक दिन में कुछ छोटे से टॉपिक, नए टॉपिक, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, इसे क्या बोलते हैं, VVI टॉपिक, वैसे टॉपिक को लेकर मैं प्रत्येक दिन आपके सामने आऊँ, ताकि किसी भी विषय को, जो एक विषय चुने, उस विषय का पूरी सटीकता के साथ, पूरी सटीकता और एक्यूरेसी के साथ आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उसके बारे में परीक्षा में जो भी प्रश्न आए उसको हल कर सके। आज हम लोग महासागर और विशेषकर महासागर की धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बारंबार पूछता है और बड़ा ही सिंपल होता है कि धारा या तो गर्म है या धारा ठंडी है, और अक्सर हाँ ठंडी और गर्मी, इसमें विद्यार्थी को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए ट्रिक को कोई याद नहीं रखना है। होता क्या है कि मैं विभिन्न चैनलों पर आप देखते हैं ट्रिक के लिए कुछ एक लाइन देता है, अलग से लाइन हमको याद करना है, मुझे समझ में नहीं आता जब उस अलग लाइन को याद करेंगे तो जो तथ्य उसी को क्यों नहीं याद कर लिया जाए। उस ट्रिक को जो हर एक धारा से ही जुड़ा हुआ है उस शब्द के आधार पर ही ट्रिक निकालने का प्रयास करेंगे और वो ट्रिक आपका अस्थायी होगा। सबसे पहले हम देखिए सागर, ये तो आपको पता है कि महासागर को विश्व स्तर पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का आर्कटिक महासागर और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का दक्षिणी सागर, ये पांच महासागर क्षेत्र होता है। और आप इतना आपको पता ही होगा कि विश्व के कुल जल का लगभग 71% जल का, विश्व का कुल भागों का 71% भाग जल है और इस 71% का लगभग, चलिए 97% भाग महासागरीय जल है। तो महासागर की बनावट आप देखिए, तो महासागर कौन कौन है, सबसे पहले देखिए प्रशांत महासागर जो विश्व का लगभग 33% भाग पर फैला हुआ है, दूसरा होता है अटलांटिक महासागर जो विश्व का लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है, तीसरा होता है हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जो किसी देश, हिंदुस्तान एक देश के नाम पर उसका नामकरण किया गया है, लगभग 16%। इसके अलावा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का, जिसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो बोलते हैं वो है दक्षिणी महासागर। ये पांच महासागर का विभाजन है और इस पांच महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर विश्व का लगभग 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इस महासागर के जो ऊपरी भाग होता है सतह का, आपको पता है कि सभी महासागर आपस में मिल जाता है। अब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी आकर हिंद महासागर मिल जाती है, हिंद महासागर प्रशांत महासागर से मिल जाती है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से मिल जाती है, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर का उत्तरी और दक्षिणी तो दो भागों में बटा हुआ है। तो हर सागर, तो जल का सतह एक समान होता है, तो जल का सतह का जो ऊपरी भाग होता है, जल के सतह का जो ऊपरी भाग उसे बोलते हैं महासागरीय तल। तल मतलब जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि सागर के पानी का ऊपरी भाग जो होता है, जो समूचे विश्व में एक समान होता है, उसे महासागर तल कहते हैं। और उसी महासागर तल से जितने भी आप ऊंचाई नापते हैं, चाहे वो एवरेस्ट 8848.86 मीटर हो, उस सभी, चाहे कंचनजंगा हो, या तमाम प्रकार की ऊंचाई हम महासागर के तल से ही मापते हैं। ये ऊपरी भाग यहाँ देख रहे महादेश को दिखलाया गया है, महादेश चाहे एशिया महादेश हो या अफ्रीका महादेश हो, ऊपरी पानी के ऊपरी भाग को, सागर के जल के ऊपरी भाग को महासागरीय तल कहते हैं। महासागरीय में जहां ढाल की शुरुआत, जो ढाल काफी कम होता है, 1 से 3 डिग्री तक ढाल होता है, उस ढाल के क्षेत्र को कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तो पूरे महासागर का लगभग 8.6% भाग जो होता है वो मग्न तट होता है, तटीय भाग जो जल से घिरा हुआ है, जिसकी ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होती है, वह 8.6% भाग होता है।
उसके बाद देखिए आपको चौथा नंबर दिखलाया गया महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसकी ढाल जो है 3 डिग्री से अधिक हो जाती है, वह भी लगभग 8.5% का भाग होता है। और निचला भाग जो लगभग समतल होता है, मैदानी भाग होता है महाद्वीपीय मैदान, ये सबसे अधिक 75.9%। और ये जो धंसा हुआ भाग दिखला रहे हैं महाद्वीपीय गर्त अर्थात महाद्वीपीय कुआं, जो सागर का गहरा क्षेत्र होता है, इसमें विश्व का सबसे गहरा सागरीय भाग जो है वो है प्रशांत महासागर का मेरियाना तट, मेरियाना गर्त फिलीपींस तट पर अवस्थित है। 11,022 मीटर उसकी गहराई है। तो हिमालय पृथ्वी के सतह का सबसे ऊंचा भाग उसका एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर। और सबसे गहरा भाग जो हो जाता है वो हो जाता है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर का फिलीपीन तट पर अवस्थित है। तो महासागरीय गर्त 7%, यदि सबको आप जोड़ लें 75.9 + 8.6 + 8.5 + 7, देखिए पूरे 100% हो जाएगा। तो महासागर की जो कुल क्षेत्रफल का किसका कितना हिस्सा है, तो सर्वाधिक भाग जो हो जाता है महासागरीय मैदान 75.9%। ये हुआ महासागर की बनावट। और महासागर की विशेषता क्या होती है, महासागर की विशेषता होती है उसका तरंग, जो वायु के दबाव, वायु के घर्षण के कारण सागर तट पर, आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा यदि महासागर देख तक तट तक पहुंचे हैं तो सही है, यदि नहीं तो आप देखोगे फिल्म में लगातार सागर का पानी तट से चट्टान से टकरा कर पुनः सागर की ओर लौट जाती है। तो वायु की घर्षण के कारण नदी झील में भी देखिए पानी हल्का सा, अब उसकी चूंकि चौड़ाई कम है और वहाँ मीलों तक फैला हुआ सागर है, तो जल का जो घर्षण होता है हवा के साथ वही घर्षण टकरा करके लौटती है, तो उसे बोलते हैं महासागरीय तरंग। दूसरी होती है महासागरीय लवणता, उसको किसी अन्य क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको लिख दिए हैं औसत लवणता 35 ग्राम, अर्थात 1000 ग्राम 1 लीटर पानी है एवरेज तौर पर औसत तौर पर उससे 35 ग्राम नमक है, समुद्री नमक, कैल्शियम रहित नमक जो प्राप्त होता है, क्लोरीन रहित जो नमक प्राप्त होता है वो है 35 ग्राम। ये महासागर की बनावट हो जाती है। तो महासागर का जो सबसे ऊपरी भाग जो पानी का बराबर लेयर का होता है उसे महासागरीय तल, जो स्थल से महाद्वीप से मिला हुआ भाग होता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट, जो ढाल तीव्र हो जाती है महाद्वीपीय मग्न ढाल, नीचे का भाग महाद्वीपीय मैदान और सबसे गहरा भाग महाद्वीपीय गर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग कुछ धारा जो आज हमें पढ़ना है, धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बारंबार आपको भिन्न भिन्न एग्जाम, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो या आप जो है रेलवे SSC के किसी अन्य पदों की तैयारी करते हो, BPSC की तैयारी करते हो या UPSC की, उसमें धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी करना हो या GD की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें महासागर की जो धारा होती है, ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से जो धारा विषुवत रेखा की ओर से धारा जो सागर में चलती है वह धारा गर्म होगी, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश गर्म होता है, और ध्रुव की ओर से जो चलेगी, सीधा सा याद रखना है कि विषुवत रेखा से जो धारा चलेगी वह धारा गर्म होगी और ध्रुव से जो धारा चलेगी वह धारा ठंडी होगी। तो ठंडी और गर्म धारा के आधार पर, अब देखिए कितना सिंपल तरीके से उस शब्द का ही जो चयन करना है, शब्द यही जो चयन किया गया है उसमें ही उसका उत्तर सन्निहित है। अब अटलांटिक महासागर सबसे पहले चलिए सुनते हैं, अटलांटिक महासागर की धारा को देखिए सबसे पहले चुनिए, इसकी अटलांटिक महासागर की धारा होती है गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए नाम ही है स्ट्रीम, ऐसे भी गल्फ कंट्री किसको बोलते हैं, जो तेल उत्पादक देश है अरब कंट्री है उसे गल्फ कंट्री के नाम से, तो समूचे मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, और स्ट्रीम तो ऐसे भी गर्म है। तो बिना किसी अलग पंक्ति को याद किए, बिना कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाले,
आप धारा के संबंध में गर्म और ठंडी धारा पर बड़े ही कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी के साथ उत्तर दे सकते हो। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा हो जाएगी? गर्म धारा, नाम से ही स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ। देखिए ब्राजील, ब्राजील के लोग काले होते हैं। आप सबको पता है कि जहां काला होता है उसका रंग जो है सो, जहां गर्मी अधिक होती है उसका रंग काला होता है। देखते यूरोप में ठंड ही होती है तो उसके लोगों का रंग गोरा होता है। जम्मू कश्मीर में देखिए ठंड होती है, देखिए रंग गोरा होता है। तमिलनाडु केरला के सब लोग काले ही होते हैं। बिहार में चलिए काला गोरा सब लोग होते हैं। जहां गर्मी है तो ब्राजील धारा, नाम से स्पष्ट है क्या हो जाएगा, तो ब्राजील धारा गर्म धारा हो जाती है। मैक्सिको, मैक्सिको मैक्सिमम के नाम से क्या है, मैक्सिमम अधिकतम हिस्सा चाहिए, अधिकतम भाग, अधिकतम भाग लेने की हकदार आप हैं। अधिकतम महाभारत में क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, अर्थात वहां झुका हुआ है। अधिकतम सूचि अग्रेण दातव्यंग बिना न केशव, हम सुई के अगला नोक बराबर भी नहीं देंगे, छोटा हिस्सा तो दूर किया। तो यहाँ पर अधिकतम मैक्सिको मैक्सिमम तो क्या हो गया, गर्म धारा। तो शब्द के आधार पर आप अर्थ को निकालिए। देखिए फ्लोरिडा, तो ओवरफ्लो, दूध देखिए ओवरफ्लो गर्म होकर के बाहर निकल आता है बर्तन से, ओवरफ्लो कब होता है, या सागर में नदी में ओवरफ्लो धारा आती है कब आती है, बहुत ज्यादा उसमें धारा आती है उसी गर्मी का प्रभाव होता है, तो ओवरफ्लो कब होगा, फ्लोरिडा, देखिए गर्म धारा। इसी प्रकार हर शब्द को समझिए। चलिए एलमिंजर, एलमिंजर, एल देखिए टेढ़ा अक्षर क्या होता है, एल टेढ़ा अक्षर होता है, टेढ़ा बड़ा टेढ़ है, बड़ा गर्मी हरदम गुस्सा में दिखाता है, टेढ़िए पुत्र, तो शब्द को ही देखिए एल, तो ये टेढ़ा अक्षर जो है। और नॉर्वे, ना देवो भी क्या बोलते हैं सामान्य अवस्था में, ना जो देहाती भाषा होती बिहार का नॉर्वे, तो ये सभी देखिए क्या है, सभी का सभी गर्म क्षेत्र। तो नाम से ही स्पष्ट है, ना देवोरे नॉर्वे, ना ना मिलेगा, गर्मी दिखलाता है कैसे तुम ले लोगे। एलमिंजर नाम से एल आकार का गर्म आकार का है, फ्लोरिडा ओवरफ्लो गर्मी का क्षेत्र है, मैक्सिको अधिकतम मैक्सिमम हिस्सा लेना है, ब्राजील के लोग काले होते हैं, और गल्फ स्ट्रीम नाम से ही, ये सभी अटलांटिक महासागर की धारा है। अच्छा अब इसी का देखिए ठंडा धारा है, लेब्रोडोर, बेचारा लेबर है, गर्मी के लिए आर्थिक गर्मी होती है, सदैव सत्ता उसके पास होती जिसके पास आर्थिक क्षमता होती है। विद्यार्थीगण आप लोगों के भविष्य से लेकर वर्तमान में देखिए समाज में पूछ उसी की होती है, घर में पूछ उसी की होती है, चाहे माँ पिता पत्नी भाई बहन कोई भी हो उसी का सम्मान करते हैं जिसके पॉकेट में गर्मी होती है। जब गर्मी नहीं होती है तो ठंडा का बेचारा क्या वो गर्मी दिखलाएगा, देखो लेबर उसके पास पैसा नहीं है, ये कैसी धारा हो गई, ठंडी धारा हो गई। फिर देखो एक कैनारी धारा, क्या माना जाता है, माँ नारी कूल कूल ममतामयी होती है, देखो माँ सरस्वती की पूजा विगत दिनों में की तो ममतामयी देवी होती है, बच्चे के हर अपराध को माफ कर देती है। माँ से आप देखो जब इच्छा होती है तो आप कुछ धन, पिता आपको रोकते भी हैं, आपके प्रस्ताव कटौती भी डालते हैं, माँ से आप बड़े आसानी से पैसा निकाल लेते, तो कनारी धारा ठंडी धारा, ठंडी ठंडी कूल कूल माँ होती है, ममतामयी होती है। बेंगुएला, चलो हम लोग तो खैर बिहार में नाम जाते हैं, मेढक को क्या बोलते हैं, बेंग बोल देते हैं गांव में, तो बेंग मेढक कहाँ रहती है, ठंडा पानी में, उखलता हुआ गर्म पानी में तो नहीं रहता है, तो वो नाम ही है, तो बेंगुएला कैसी धारा है, तो ठंडी धारा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड धारा, ग्रीन हरा भरा घास भरा हुआ, तो गर्म जब उष्ण ऋतु होती है, जब गर्म ऋतु होती है तो घास तो कुल सूख जाता है, तो ग्रीन हरा भरा ग्रीन है, तो ठंडा क्षेत्र है, ठंडी धारा। अच्छा इसमें एक और आता है, उसे बोलते हैं अंटार्कटिका धारा, तो जाहिर सी बात जब अंटार्कटिका बर्फ से घिरा हुआ है तो धारा ठंडी धारा ही है। तो देखिए हर शब्द ही अपने आप में बतलाता है कि मैं गर्म हूंगा कि ठंडा रहूंगा।
मेरे साथ गर्मी जुड़ी हुई या ठंडी जुड़ी हुई है, तो अटलांटिक महासागर इतना धारा भी आप याद रखते हैं, इससे एक्स्ट्रा एक भी धारा आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम गर्म होता है, ब्राजील ब्रा या फिर देखिए ब्राजील जो है सो गर्म प्रदेश है, मैक्सिको अधिकतम मैक्सिको ही मैक्सिमम हिस्सा लेना है गर्मी का क्षेत्र है, ओवरफ्लो गर्मी का क्षेत्र है, एल आकार ही देखो टेढ़ा गर्मी का क्षेत्र है, नॉर्वे ना देंगे कुछ ना लेंगे ना, तो नॉर्वे अर्थात गर्मी का प्रतीक है, लेबरोड बेचारा लेबर है श्रमिक है मजदूर है, गर्मी कहाँ उसके पास जी मालिक जूहू जी हुजू, कनारी माता मई ममता भी नारी कुल कुल ठंडी ठंडी, बेंगुएला मेढक पानी ठंडी पानी, ग्रीनलैंड हरा भरा क्षेत्र ठंडा क्षेत्र होगा, बर्फ बरसात का क्षेत्र होगा तभी हरियाली रहेगी ग्रीन रहेगी, और अंटार्कटिका तो ठंडी रहना ही। ये देखिए एक महासागर से हुआ, अब हम लोग दूसरा महासागर, इसी प्रकार जो है हर महासागर के और मूलतः क्योंकि चौथा जो महासागर है आपका आर्कटिक महासागर तो बर्फीला क्षेत्र है बर्फ से घिरा हुआ तो वहां धारा होगी नहीं, दक्षिणी महासागर वो भी बर्फ से घिरा हुआ धारा होगी नहीं, तो धारा तो केवल तीन का है, तो ये अटलांटिक देखे। अब हम लोग प्रशांत महासागर की धारा को देखें, इसी प्रकार ताकि हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ हो और उसी अर्थ के आधार पर गर्मी और ठंडा को ज्ञात किया जा सके। चलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया देखो भारत किधर है, पूरब में, पूरब के भारत ईस्ट वेस्ट पश्चिम के लोग, पश्चिम क्या हो गए पश्चिम हो गए देश में किस में आ गए, पश्चिमी देश मतलब क्या होता है यूरोपीय देश तो ठंडा है, पूर्वी देश आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ पूर्वी देशों के साथ, पूर्व में देखो श्रीलंका है भारत है वियतनाम है, ये सब क्या होता है यहाँ के लोग का रंग जो है साफ नहीं होता है काला होता है अर्थात ये गर्म प्रदेश है, तो ये क्या हो गया गर्म धारा, पूरब गर्म है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म। फिर देखिए यहाँ पर है क्यूरेसियो, क्यूरेसियो क्यूरेसियो धारा, मेरा रेशियो मेरा हिस्सा मेरा भाग क्यों नहीं दोगे, क्यूरेसियो मेरा भाग क्यों रख लिए हो, वो गर्मी का प्रतीक है। देखिए एक धारा एक नाम है काली धारा, नाम है काला तो लोग जो है गर्म होवे करता है। देखिए फिर सुसीम धारा, तो क्या कहते हैं सुसीम पानी, सुसुम पानी अर्थात क्या है गर्म पानी, सुसुम पानी मतलब ठंडी पानी बर्फीला पानी नहीं होता है, तो सुसुम जो है ठंडी धारा का प्रतीक है। उसके बाद जो धारा देखिए एल नीनो फिर आ गया एल, तो ये सभी धारा कैसा धारा हो जाएगा गर्म धारा, ये सभी धारा जो है गर्म धारा, देखिए नाम से ही स्पष्ट पूर्वी देश गर्म होते हैं, क्यों रेशियो मेरा रेशियो कि मेरा हिस्सा क्यों नहीं दोगे, काली काला काली देवी है देख माँ काली कितने गुस्से की देवी मानी जाती है क्रोध की देवी मानी जाती है, सुसीम सुसुम पानी गर्म पानी एल एल तो तेरा अक्षर ही होता है। इसके बाद चलिए और आई चलिए कहते हैं अलास्का, अलास्का धारा ये भी गर्म धारा है, अला अलाउद्दीन खिलजी देखो क्या है अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के समान अवस्था में थोड़ी सी देखिए तुलनात्मक रूप से इस्लाम धर्म के लोग जो है अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं, बहुत गर्मी दिखलाते हैं लड़ने को तैयार हो जाते हैं जहाँ धर्म की बात आती तो अलास्का अला अलाउद्दीन अला। अब आइए ठंडी धारा की बात करते हैं, देखिए हम बोल हम मैं में गर्मी होता है मैं ये करूँगा मैं कर नहीं दूंगा, लेकिन हम मतलब बहुवचन मैं एक वचन है हम बहुवचन हम लोग मिलकर काम कर लेंगे हम लोग शांति के साथ रह लेंगे, तो हम बोल धारा कैसी धारा हो जाएगी, तो हम बोल धारा ठंडी धारा। क्यूराइल क्यूराइल क्यों लड़ाई कर ली, गुस्सा ठंडा हो चुका है क्यों लड़ाई कर ली नहीं लड़ना चाहिए चलो क्षमा याचना कर लेते हैं, तो क्यूराइल ठंडी धारा। फिर देख क्यूराइल को ही आयोसियो नाम से भी इसे आ यो सीओ धारा के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए ये कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया सुदूर अमेरिका के क्षेत्र का है, अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते हैं देखिए, अर्थात वहाँ ठंडा का क्षेत्र है, ये धारा हो गई ठंडी धारा। इस प्रकार से ये प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म धारा है। पूर्वी जहां भी रहेगा तो गर्म का प्रतीक है, पश्चिम जो है क्योंकि उसका रंग गोरा होता है, पश्चिम ठंडा देश होता है, ठंडा का प्रतीक है। देखो पछुआ हवा भी चलती है तो कितनी ठंडी बढ़ जाती है, तो क्यों रेशियो मेरा चाहिए, मेरा क्यों रेशियो नहीं दोगे। तो गर्म है काली, गर्म है सुसीम, नाम से ही स्पष्ट है सुसीम, सुसुम गर्म पानी, एल नीनो अलास्का, अलाउद्दीन खिलजी जैसा गर्म राजा जो कि देखो मानी रानी पद्मावती जबरन उठाना चाहता है। हम बोल हम बहुवचन ठंडा, क्यों रायल क्यों लड़ाई कर लिए ठंडा, कैलिफोर्निया ये उसमें कोई स्पष्ट शब्द नहीं बनता है, लेकिन कैलिफोर्निया ठंडी धारा है। अब हम लोग चले अगला आए, प्रशांत महासागर हो चुका, अटलांटिक महासागर हो चुका, अब हम लोग बने आद करें हिंद महासागर का। ये भी देखिए इसी प्रकार का, कितना आसानी से इसमें भी आप धारा को याद कर लेंगे। तो हिंद महासागर की धारा देखिए सबसे पहले है अबुलहास, हिंद महासागर अबुलहास, अंगुली दिखाते हैं जहां तुम नहीं दिया, जहां तुम कुछ नहीं किया समझ लो तुम्हारा। तो अबुलहास आप अंगुली कब दिखाते हैं, अपनी गर्मी का प्रदर्शन करते हैं अबुलहास। मोजाम्बिक मोजा क्या बोलते हैं, पाजी बोलते हैं, मोजा पहन ली तो ठंडापन है, वो ठंडा दूर हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मोजाम्बिक मोजा पहनते हैं ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो सके, पैर गर्म रहे, तो वो गर्म धारा। और फिर आइए मेडागास्कर, नाम से ही जरूर देखो मेडागास्कर, मेडागास्कर यहाँ पर शब्द है, ये भी चलिए गर्म धारा है। और ठंडी धारा में आइए, इसकी ठंडी धारा में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पहले ही मैंने कहा था तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी धारा है। और उसके बाद जो है इसमें आता है अंटार्कटिका धारा, तो अंटार्कटिका तो बर्फीला क्षेत्र ही है। इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से शब्दों के आधार पर, कुछ विशेष अध्ययन नहीं करना है, शब्दों के आधार पर हर शब्द ही अपने आप में बतलाता है कि गर्म धारा होगी ठंडी धारा होगी। तो आपने सागर के बारे में पढ़ा, सागर की धारा के बारे में पढ़ा, इसी दिन फिर अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ इसी प्रकार का आपके सामने लेकर उपस्थित रहेंगे। मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद समझदार हैं और पता ही है कि टेक्निकल युग में सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कितनी आवश्यकता है। और इसे भी विद्या दाती विलियम, विद्या बांटने से बढ़ता है। तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार नए नए रोचक जानकारियां मैं देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। फिर अगले दिन मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।